स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की बात करते हैं. ह्यूमन आई एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो गॉड गिफ्टेड है हमारे पास, ठीक, और जिसकी वजह से हम जो हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं हम उनको देख पाते हैं, ठीक. क्योंकि जब लाइट रेस हमारी आई पर फॉल करती है तो वो रेटिना के ऊपर जाकर एक इमेज बना देती है. अगर एक रफ स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक लेंस फिटेड होता है जिसको आप आई लेंस या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, आपका कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिखाई दे जो ग्रीनिश पार्ट है दैट इज आयरिस, और उसके बीच में जो ये ब्लैक होल आपको दिखाई दे रहा है ये होता है पिपल, ठीक. आयरिस का अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए कि आयरिस का फंक्शन क्या होता है तो इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू आर आई. हमारी आंखों के अंदर जितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम यही करता है, ठीक है. अगर आप डे टाइम पे है तो डे टाइम पे क्योंकि आपका ब्राइट लाइट है तो वहां से आयरिस का साइज कैसा हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि उतने ही अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर होने देता है. बट अगर हम ड्यूरिंग नाइट टाइम की बात करते हैं तो आयरिस पिपल के साइज को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी उसके अंदर एंटर करने लगती है. तो ये जो ब्लैक पार्ट है इसको बोला जाता है पिपल, ठीक. तो यहां से आपका क्या होता है जो लाइट है वो एंटर करती है इसके अंदर, ठीक, और उसको कंट्रोल करने का काम करता है एरिस. ये लाइट रे है जो आपका एंटर करेगी, द लेंस इसको क्या करेगा, इस लाइट रे को कन्वर्ज करेगा और इसको कन्वर्ज करके फॉल करा देगा रेटिना के ऊपर, जहां पर जो इमेज है वो फॉर्म हो जाती है. अगर हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंट हाइट पे एक दूरी पे रखा है तो वहां से जितनी भी लाइट रेज आ रही है वो कैसी होती है, हमारे लिए पैरेलल होती है. यहां पर इस फिगर के थ्रू आप देख पा रहे हो कि जो आयरिस है वो क्या कर रहा है, पिपल का साइज को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लाइट. अगर डिम लाइट है तो उसके साइज को बढ़ा देगा, एक्सपेंड कर देगा, और अगर आपका ब्राइट लाइट है तो उसके साइज को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा. उसके बैक साइड आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये है लेंस, जिसको हम आई लेंस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक, जो कि जिसका नेचर होता है कन्वर्जेंट. जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करती है बैक साइड पे जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये सारी लाइट रेज को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पर उसको लाकर मीट कराता है. जो बाहर की तरफ आपको बर्निंग आउट पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज कॉर्निया, ठीक है. तो आप ये बोलते हैं जो फ्रंट सरफेस होता है, जो आउटर सरफेस होता है आई लेंस का, उसको बोला जाता है कॉर्निया. इसके बीच में यहाँ पर हम एक लिक्विड, एक वॉटरी सब्सटेंस फिल्ड करके रखते हैं जिसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर, ठीक. एक वॉटरी सब्सटेंस होता है जो कि यहाँ पे फिल्ड होता है खाली स्पेस में, पिपल और कॉर्निया के बीच में जो खाली स्पेस होता है यहाँ पर ये सब फिल्ड होता है वॉटरी सब्सटेंस, जो कि जिसका बेसिकली काम होता है कि यहाँ पे लिप फिक्शन को क्रिएट करना. आप यहाँ पर बात करें ये एक्वस ह्यूमर या फिर यहाँ पे हम लोग विट्रस ह्यूमर भर के रखते हैं, तो इस लिक्विड का, इस वॉटरी सब्सटेंस का यहाँ पे सरफेस पर यही काम होता है कि यहाँ पर फिक्शन लेस मूवमेंट बनाए रखना, क्योंकि लेंस हमारा कैसा है, एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एक नेचुरल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि आपका अपने साइज को लगातार क्या करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, डिपेंड करता है किस पे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा है. ये जो लास्ट में आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ओवरऑल जो रेडिश शेड से दिखाई दे रही है दैट इज द स्क्रीन एट विच इमेज इज ऑब्टेन्ड, और उसको बोला जाता है रेटिना, ठीक, जिसके ऊपर जब लाइट रेज इंसिडेंट करेगी तो यहाँ पर इमेज बनती है जिसको बोलते हैं रेटिना. यहाँ पर आपको जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक. अगर और यहाँ से ये जो लाइंस है ये कहाँ पे, ये ऑक्टिव नर्व के थ्रू कहाँ पर कनेक्टेड है, आपके ब्रेन तक कनेक्टेड है. दूसरी चीज, जब भी आपका लाइट रे रेटिना के ऊपर फॉल होती है तो वहां पर क्योंकि हमारी सेंसर सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उन सेंसर सेल्स की वजह से क्या होता है कि आप
या तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हो कि वो किस तरह का, किस कलर का ऑब्जेक्ट है, क्या उसका साइज है, आप उसे डिफरेंशिएट कर पाते हो, क्योंकि वो उन लाइट की हेल्प से, लाइक ब्राइट लाइट पड़ा उसके ऊपर तो जो ब्राइट लाइट सेंसेस है वो एक्टिव हो जाती है, जो आपका डिम लाइट सेंसेस है वो एक्टिव हो जाती है डिम लाइट में। ठीक, तो यहाँ पर आपका रेटिना के ऊपर दो तरीके की सेंसेस सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम रॉड एंड कॉन बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ये जो ऑरेंज कलर का एक मसल सा दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका स्लैरी मसल, जो कि लगातार इसका काम क्या होता है, और यहाँ पे देखिए व्हाइट थ्रेड का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये होते हैं लिगामेंट, सस्पेंसिव लिगामेंट, जो कि यहाँ पर अभी आपका सलारी मसल्स और लेंस के बीच में एक कॉन्टेक्ट बनाने का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, और सलारी मसल्स का काम होता है टू एडजस्ट द साइज ऑफ आई लेंस। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल नियर रखा होगा तो वो अपने साइज को क्या कर देगा, वहां से चेंज करेगा लेंस, और लेंस के साइज को चेंज करने का काम कौन करता है, सलारी मसल्स उसको एडजस्ट करेंगी। ठीक है, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट रखा, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो वहां से जो भी लाइट रेज आ रही होंगी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और वो पैरेलल लाइट रेज आके आपका कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज होगी कहाँ पर मिली, वो रेटिना पे मिली, तो यहाँ पे आपके इमेज ऑब्टेंड हो जाएगी, इसका काम क्या होता है, कन्वर्जन। तो अगर आप इस केस में देखेंगे जो स्लैरी मसल्स होती है आपका रिलैक्स होती है, ठीक है, अभी तक उसके अंदर कोई भी कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इस केस में जो स्लैरी मसल्स है वो आपका रिलैक्स्ड है। बट अगर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नियर अबाउट रख देते हैं, नियर अबाउट रखने के बाद वहां से जो लाइट रेज निकल रही है वो आपका डाइवर्टेड फॉर्म में है, वो फैलती हुई आ रही है, तो उसको एग्जिट कन्वर्ज कराने के लिए जो स्लैरी मसल्स होती हैं वो लेंस को कैसा कर देती है, कंट्रैक्शन करने के बाद जो लेंस है लेंस के साइज को बढ़ा देती है, लेंस का साइज इन कंपैरिजन टू जो पहली सिचुएशन थी वहां से उसका साइज थिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट रेज को एग्जैक्टली कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर मिला सकती है। ठीक है, और यहाँ पे लाइट रेज क्या हो जाती है, आपकी कन्वर्ज हो जाती है और आपको इमेज दिखाई देती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट नियर रखा हो या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो तो आपका जो सारी मसल्स होती हैं वो लेंस के साइज को एडजस्ट करके, यहाँ पे देखिए लेंस का साइज एडजस्ट होता है, जिसकी वजह से अब इस केस में क्या हुआ, सारी मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंट्रैक्शन को करने के लिए लेंस के साइज को कम या ज्यादा करने का काम किसका होता है, स्लैरी मसल्स का होता है। यहाँ पर एक टर्म आता है एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन होता है किसी भी लेंस की एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट, वो एक फारेस्ट पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो या फिर नियरेस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हो, उसको फोकस करके उसको क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की जो एबिलिटी होती है ह्यूमन आई को, उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा है या फिर आपका ऑब्जेक्ट नियर रखा है तो लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है, और उसको चेंज करने में हेल्प कौन करता है, सारी मसल्स करती है, जिससे वो अपने फोकल लेंथ को चेंज करके उस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है, और उसी एबिलिटी को, ठीक, की एबिलिटी टू सी दी ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ को क्या बोला जाता है, एकोमोडेशन बोला जाता है, जिससे वो अपने साइज को चेंज कर सकता है।